आखिर क्राइम ब्रांच व पुलिस टीम ने 9वें दिन खोज निकाला 13 वर्षीय अंकित की लाश। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हनुमानगंज के सराय नायत के रहने वाले अंकित उम्र लगभग 13 वर्ष, जो कि 19 अगस्त 2021 को फिरौती के लेन देन में उनकी हत्या कर दी गई और हनुमाना बॉर्डर के जंगलों में फेंक दिया गया था। इसकी खोजबीन 20 अगस्त से शुरू हुई, जिसमें 29 अगस्त 2021 को क्राइम ब्रांच प्रयागराज जनपद की पुलिस ने अथक परिश्रम करते हुए 9वें दिन मृतक अंकित के शरीर को खोज निकाला। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के हनुमानगंज के सराय इनायत के रहने वाले छठी क्लास का लड़का अंकित उम्र 12 वर्ष, पिता का नाम मूलचंद, अपहरण करने के बाद कर दी गई थी हत्या। अपहरणकर्ताओं की सूचना के आधार पर पता चला कि अंकित को उसके घर से बुलाकर उसके मामा के यहाँ ले जाने को बोला गया था। अपहरण करने के बाद मोबाइल द्वारा अंकित के माता पिता से पैसे की मांग भी की गई थी। अंकित के पिता टेम्पो चालक थे और कुछ दिन पहले अंकित के पिता ने अपनी जमीन बेची थी। 19 अगस्त को अंकित घर से सामान लेने के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं हुआ। काफ़ी खोजबीन के बाद पता नहीं चला तो अंकित के पिता ने सराय इनायत थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तलाश में जुटी थी, कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिवारजनों से पता चला कि अज्ञात मोबाइल नंबर से लड़की के माता पिता से 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। रुपया ना देने पर बच्चे के जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगाने के बाद कोराव क्षेत्र के पचेड़ा के दीप कुमार और निश्चितपुर के अर्जुन को हिरासत में लिया गया। काफ़ी कड़ाई के साथ गुस्सा करने पर दोनों व्यक्तियों ने दो और आरोपियों का नाम बताया, जिससे एक बार तहसील कालीप कुमार जिंजा का नाम बताया और अर्जुन ने अपने भाई का नाम बताया। क्राइम ब्रांच जमुना पार की टीम अथक प्रयास करते हुए खोज निकाला। अपराधी भीम दीपक अर्जुन व पुष्पराज प्रयागराज जनपद के गिरफ्त में है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि अंकित के परिवार को न्याय मिल पाता है कि नहीं, यह सरकार तय करेगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए धनंजय मौर्य की खास रिपोर्ट।